हाय फ्रेंड्स, तनाव श्रृंखला में आज फिर आपके समक्ष मैं निर्दोष कौशिक। कल मैंने आपको बताया था कि तनाव कैसे होता है, उसे क्या क्या हानियां होती हैं, क्या क्या उसके लक्षण हैं, शरीर कैसा हो जाता है। अब आप विचार करें कि हम तनावग्रस्त होने से पहले कैसे थे, हम कौन थे, और जब तनाव आया तो हम क्या हो गए, और यदि इसका जल्दी इलाज नहीं किया गया तो और क्या होंगे। अभी परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। मित्रों, वर्तमान युग में तनाव का एक विकट समस्या बनकर खड़ा होना बड़ा ही चिंतनीय विषय है। इसके चलते कई चिराग बुझ गए, जीवन निकाल डालो, आत्महत्या। अभी पिछले दिनों में कितना कुछ नहीं हुआ, क्या यही जीवन शैली है हमारी? अरे, जिंदगी बड़ी मूल्यवान है, इसे यूं ही मत गवाओ। मित्रों, क्या आपने कभी राम कृष्ण, राजा सत्यवान, यीशु, इन सब की जीवनी को पढ़ा है? क्या आपके जीवन में इनसे ज्यादा समस्या है? अरे, कभी चिंतन तो करें, और यदि समस्या होती है तो इनकी जीवन शैली को आप पढ़ें। क्या हमारी भारतीय संस्कृति इतनी कमजोर हो गई है? पाश्चात्य का अंधा अनुकरण ने हमें इतना कायर बना रखा है, दास बना रखा है, कि हम जहां भी कहीं अपनी मनोस्थिति को कहीं भी गिरा देंगे। नहीं, अब लौट चले, अब लौट चले। कहां चले? अरे मित्रों, चले अपनी संस्कृति में, अपनी ऋषि संस्कृति, अपनी परंपरा में। अत्यधिक तनाव हमारे मन को विकृत कर दे, हमें मजबूर करे, इससे पहले आओ मेरे साथ एक कदम और। मेरा लक्ष्य है आपको स्वस्थ देखना, प्रसन्न देखना, और आपकी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव। मित्रों, मैं हार मानने वाली नहीं हूं, एक न एक दिन आपको पूर्ण स्वस्थ करके ही ठहरूंगी, निरंतर मेरा प्रयास है। तो आज मैं इसी श्रृंखला में आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम बताती हूं। देखिए, पहले नाक के बाएं नथुने से सांस लें, उल्टी तरफ से। इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और इसे इडा नाड़ी भी कहते हैं, ये ठंडी नाड़ी होती है। श्वास लें और पेट में भर लें, पूरी तरह से धीरे धीरे ईश्वर का चिंतन करते हुए सांस अंदर ले जाए, पेट में भर लें, फिर दाएं ओर से निकालें। यही प्रक्रिया आपने इसी साइड से 3 बार करनी है। फिर उसके बाद दाएं से श्वास खींचें, पेट में भरें, ईश्वरीय चिंतन करते हुए फिर बाएं से निकाल दें। इसको हम कहते हैं पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी। तो मित्रों, पहले उल्टी तरफ से 3 बार निकालें, भरें, फिर निकालें, और फिर सीधी साइड से 3 बार भरें और निकालें। ये प्रक्रिया पूरी होते ही फिर दोनों नाकों से श्वास खींचें और पेट में भर लें, और फिर मुंह से उसको छोड़ दें। पहले 10 मिनट करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। आप पाएंगे कि तनाव आपके जीवन में कभी था क्या, सोचोगी नहीं। कैसे चला गया पता ही नहीं चलेगा। जीवन कैसे स्वस्थ, सुंदर, मजबूत, सबको सुख देने वाला बन गया पता ही नहीं चलेगा। मित्रों, शारीरिक रोगों के लिए बहुत से डॉक्टर हैं, गोली दी, दवाई दी, ठीक हो जाती है, लेकिन मानसिक अवसाद होते हैं, इनको ठीक करने के लिए कोई विरला ही आगे आता है। तो आप मानसिक तनाव से बचें, अवसादों से बचें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसी श्रृंखला में कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।